विपुल प्रेम निज नेम गहि कहि सुज सुज अरिन्द गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद श्री हरि दास श्री दास को जीवत प्रेम बिगरी ले संहार के मेरी कुंज विहार सके अपने को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे को निहार लाड़े तुम ते सब कछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी ही तो प्राण ज्ञान न दीजो जगत में परशु परशु पुना जो बिगरे गिरावरी होई भगत कुहा ताते तुम सुन कह तुम्हें भूल छुड़ाओ लाड़ी समझ देओ भरपूर ये बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाड़ली तो सबई तिहारे हिहारी लाश को तुमरे चरण कमल नमन तुमरे चरण कमल नमन तुमरे चरण कमल अन्य रसकैरव हरिदास प्रशंसितः रसज्ञ रसदाता हि गोपिकेल प्रकाशक रसिक कमल भानु कुंज केल प्रदायी स्तुति ये हरिवंश व्यास मुख्य रसज्ञ त्रिविधे प्रजन हर्ता दृष्टिमात्रेण भजत भजत तमहि स्वामिनं भूरसज्ञा स्वामिनं भूरसज्ञा शरण गहो हरिदास की माया छुबे न छान श्री कुंज विहारिन लाड़ली बेग बहेंगी बहां बेग प्यारी जो मोको कृपा करो प्यारी जो मोको कृपा करो प्यारी जो श्यामा जो राधे ऐसी रुचि उपजे
के उत्थान को अशुभ को पाए प्रार्थना है। बिहारी बिहारी नदास लड़ाता जी महाराज की मोकों कृपा करो प्यारी जू मोकों कृपा करो। कृपा ही अवलंब है, कृपा अवलंब से ही साधक को प्राण जीवन बूटी प्राप्त होती है। कृपा का आश्रय अगर साधक नहीं लेता है तो इसको अहंकार पकड़ लेता है और साधना में मन नहीं लगता है, इष्ट कृपा नहीं करते हैं। प्रार्थना रत दीन भाव पे इष्ट रीझते हैं। प्रार्थना करने से, विनय करने से ये प्राणी अहंकार निरस्त हो जाता है, अहंकार जाता है। प्रेमी रसिक जनों, पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण कियो माया के आवरण बहुत दिन ये संधि समझ नहीं जानी। श्री बिहारी दास हरिदास कृपाते तन मन प्राण हितानी। माया का प्रभाव होता है, कुसंगी लोगों का संग होता है, संसार आसक्त लोगों का संग होता है, विषय लोलुप लोगों का संग होता है। तो ये माया का जो आवरण है भरपूर होता है, और जब माया का आवरण होता है तो हरि मिलन की जो संधि है, भेद है, रहस्य है, वो समझ में नहीं आता है। बिहारी दास हरिदास कृपाते तन मन प्राण हितानी। जब रसिक जनों की, स्वामी जी महाराज की, गुरुदेव की, बिहारी बिहारी की जब कृपा होती है इस जीव पे, तब ही उनके श्री चरण कमलों में ये रति कर पाता है। और कृपा का लक्षण ये है, संत रसिकों के चरणों में मन लग गया जिसका,
आश्रय अपना उनके श्री चरण कमल बना लिए तो अवश्य ही कृपा होवे है। अगर संत शरण गुरु शरण आश्रय नहीं है तो इस जीवन में कृपा ही नहीं होती है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीख्य मानो, हमेशा हमेशा कृपा का आश्रय रहना चाहिए। गुरुजनों के श्री चरण कमलों में जो है आश्रय बनाना चाहिए, प्रार्थना रत रहना चाहिए, तब ही कृपा होवे है। अधम किए अभिमान गयो, अपने आसन सकुच भूल, ऊंचे पर पग न पयो। महाराज श्री कह में हैं, जो अधम प्रकृति के मनुष्य हो में हैं, वे अपने अभिमान के कारण आप ही मरे गिरे हैं, सदा काल दुखी रह में हैं। वो अभिमान को पोषण करते रह में हैं और परमार्थ पथते वंचित हो जा में हैं। बोलो स्वामी जी महाराज, अपने आसन सब कुछ, महाराज श्री बोले अपने दायरे में रहो, अपने आसन में रहो, भूल ऊंचे पर पग न पयो, भूल के भी आसमान मत नापो। अधिक बढ़े ते अधिक बिगूचे, अधिक पढ़े ते अधिक बिगूचे। अगर आसमान नापोगे, दीन भाव हृदय में नहीं रखोगे, प्रतिष्ठा सुक्री विष्टाभिमानम श्रापानम, तो ये माया ग्रस जाएगी, छोड़ नहीं सकती। तू अपने आसन सब कुछ, अपने आसन पर ही सुकड़े रहो, सहज भाव से अपनी साधना में, अपने आसन में, अपने उपासना में दृढ़ रहो। उपासन, इष्ट के पास जो आसन मिला है हमको, उसी में दृढ़ रहो। कहूँ जिन जाओ निभाए पने, अपनी नाना प्रकार की मनोवृत्तियों को चंचल मत करो। संसार के सुखों में अपने को जो है आरूढ़ मत रखो, क्रम क्रम से उनकी कृपा मनाती है, उपरामता बढ़ो। तो अपने आसन सब कुछ है, भूल ऊंचे पर पग न पायो, भूल के भी भूलो भूल में भैया ऊंचे मत बनो, हर दीनन पे कृपा करें, छोटे बने रहो दीनों पे। तो भूल में हूं ऊंचे पे पग मत धरो, पयो धरो, पग मत रखना, ऊंचे पे पैर नहीं रखना है। को जाने कैसी परती, तब कहा समझते ये समयो। वो तो हरि कृपा से, स्वामी जी महाराज की कृपा से, और जो है हम ये सावधान न रहते, इतने महाराज श्री कह रहे हैं, ये सावधानी नहीं बरतते तो को जाने हमको कितने कितने कष्ट भोगने पड़ते। अगर सावधानी अथवा साधना में, बिहारी व्यान के श्री चरण कमलों में ये जीव नहीं लगता है, तो अनंत जन्मों की पीड़ा को, कष्ट को ज्यों के त्यों मोल ले लेता है। जैसे पहले भोगे फिर तुरंत भोगे। तो महाराज कह रहे हैं, को जाने कैसी पड़ती, कौन जाने कैसी 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 विपत्तियाँ इस जीव पे आती रहीं और आएंगी, अगर हरि के शरणों में सावधानी से नहीं लगे तो। तब कहा समझते ये समयो, ये जो समय मिला है परम सौभाग्य का,
लाड़ो तुम्हें लड़ाए जीऊँ तो गुण गाए, ये समय नहीं मिल पाता। ये तो उन्होंने कृपा करके दे दिया, नहीं तो अभिमान में ही डूबे रहते। प्रेमी जनों, कृपा साध्य वस्तु है। कृपा को हमेशा हमेशा याद करना है। कृपा को याद करने से, कृपा मनाने से और कृपा बढ़ती है। कृपा नहीं मनाएंगे, कृपा को याद नहीं करेंगे, कृपा घट जाएगी और धीरे धीरे न्यून हो जाएंगे। गर्वे कहा जीव बपुरा, गर्व मतलब गर्वित, घमंड, अभिमान। गर्व का मतलब भी अभिमान है। गर्वे कहा जीव बपुरा, बपुरा यानी ही बिचारे दीनहीन, तू कछु लायक नहीं है, तू जीव। तू कछु लायक ना है, ऐसे बड़े बड़े अभिमान के कारण नीचे गिरा दिए गए। कौन? विजय धाम ते डार दयो। विजय यानी जय विजय, जय विजय भी अहिमान के कारण, अहंकार के कारण और धाम से भी गिर दिए गए। भगवान विष्णु के पार्षद रहे जय विजय, और सनकादिक संत सनातन सनातन सनत कुमार आदि श्राप के कारण जय विजय को गिरना पड़ा, हरि की इच्छा। तो गर्वे कहा जीव बपुरा जय विजय, तो जय विजय धाम ते डार दे। ये जय विजय दोनों ही धाम से डार दिए गए, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण। तू तो तुच्छ जीव है, तेरे को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा अगर अहंकार करेगा। सुन अहंकार भला न भिया, काहे को दुख सुख मानत प्रयत्न बिना दिया। दुख और सुख दोनों ही मानना, सुख में बहुत जो है किसी को कुछ गिनना ही नहीं, ये अहंकार सुख में तो रहता ही है। लेकिन दुखी होना, अति दुखी होना, हरि भक्त तो दुखी नहीं होते हैं। बहुत बड़ी परेशानी आने के बाद भी दुखी नहीं होते हैं। दुखी होना भी श्री चरणों का चिंतन समाप्त होता है, इसका मतलब अहंकार आ गया है। अति दुखी होना भी किसी यहाँ की बाधा के कारण, ये भी अहंकार है। बोलो बिहार जी महाराज, ये भी अहंकार है, क्योंकि अपना स्वरूप नहीं समझा है। यहाँ के दुख और सुख दोनों ही भ्रम हैं, इनका अस्तित्व ही नहीं है। अगर दुखी होता है प्राणी, समझो अपना स्वरूप उसने समझा ही नहीं। जो निजी हरि आश्रित हैं, उनको दुख और सुख दोनों ही बाधा नहीं पहुंचा सकते। बोलो बिहारी जी महाराज। जैसे जाड़ो सब प्राणी को सतावे है, यानी जैसे जाड़ो पूरे शरीर को लगे है लेकिन आँख इनको जाड़ो ना लगे है, ऐसे ही ये दुविधाएं, ये आशंकाएं, ये कष्ट, ये नाना प्रकार की परेशानियां सभी संसारी प्राणियों को परेशान करती हैं। जितना संसारी तत्व होता है और जो हरि तत्व में जितने विलीन होते हैं, इतनी साधना में दृढ़ होते हैं, सच्चे भाव में दृढ़ होते हैं, बिहारी व्यारण के चिंतन में दृढ़ होते हैं, उतने ही इन बाधाओं से उपराम हो जाते हैं। बोलो बिहारी जी महाराज। जैसे शरीर सब जाड़े, यानी जाड़ो सब शरीर को लगे है, आँखें कुलाएं लगे है, ऐसे ये परेशानियां सारे संसार को परेशान करती हैं, नाना प्रकार के भ्रम हैं जो। लेकिन जो दृढ़ हरि भक्त हैं, अनन्य हरि भक्त हैं, एकमात्र निष्कामी हरि मिलन की चाह है रात दिन, उनको परेशान नहीं करते हैं। बोलो बिहारी जी महाराज। तो गर्वे कहा जीव बपुरा,
जय विजय धाम ते डार दयो, ये धाम से डार दिए, इसलिए दीन हो के रहो। भावे सिद्ध जो साधक है तहें, तू साधकों की तो बात छोड़ो, सिद्ध भी गिर जाते हैं अहंकार आने पे। उपजो हो सोई जो बयो, जो बएंगे वो ही उपजेगा। बोए पेड़ बबूल के, बबूल के पेड़ बोएंगे, कांटेदार पेड़ बोएंगे, उसका बीज बोएंगे तो बबूल ही तो होगी, आम कहाँ से आ जाएंगे। बोए पेड़ बबूल को तो आम कहाँ से आ, तो जैसा बोया, जैसी कृति करी हमने, जैसी क्रिया करी, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर रोते क्यों। लेकिन स्वामी हमारी ऐसी दयालु कृपालु हैं, अनंत जन्म की भूल को छिन में डालें, इनकी शरणागति स्वीकार करते ही फिर वो भूलों को नहीं गिनती हैं, शरणागति के स्वरूप को गिनती हैं। लाडली जी बड़ी उदार हैं, चिंता मत करो। लेकिन आगे समझ जाइए, आगे हमसे कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो महाराज बोले, भावे सिद्ध जो साध कहत हैं, उपजो हो सोई जो बयो। जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं, वो जो जो पहले हमने कर्म किए थे उसके फलस्वरूप आते हैं, आते रहते हैं। लेकिन प्रेमी जन दुख और सुख दोनों स्थितियों में समान रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, घबराते नहीं हैं। कुछ आपत्ति विपत्ति आती हैं, वो जाने के लिए ही आई हैं, वो समाप्त होने के लिए। कोई मनोविचार में कोई अलग प्रकार के भावना हैं, वो जो भावना भी आई हैं वो आई नहीं है, वो जाने के लिए ही आई हैं। इसलिए सावधान रहो, निर्मलता प्रदान करने के लिए। निर्मल हो जाओगे, अच्छा संग रहेगा। कुसंग अगर प्राप्त कर लिया तो निर्मलता समाप्त हो जाएगी, धूमिलता आ जाएगी। भावे सिद्ध जो साध कहते हैं, उपजो हो सोई जो बयो। श्री बिहारीदास हरिदास कृपाते, आप नहीं अपना इलयो, आप नहीं अपना इलयो। महाराज श्री कह में हैं, यहाँ भी कृपा का अवलंब दर्शित किया महाराज श्री ने। बिहारीदास हरिदास कृपाते, स्वामी महाराज की कृपा थी। आप नहीं अपना लयो, लाडली जी ने, बिहारी जी महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने स्वयं हमको अपना लियो है। आप नहीं अपना लियो, हम तो कछु लाग नहीं थे, साधन श्रम ना कछु कियो, ना कछु कर बे जोग। और ये तो कृपा विहार ने दास की, सहज संयोग। कृपा साध्य वस्तु है प्रेमी जनों, ये देश तुमको जो प्राप्त हुआ है, तुम इसमें अनुगत भयो, मामूली विषय नहीं है, बहुत बड़ी कृपा है। स्वामी जी बिहार जी की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन अपने स्वरूप को समझ के और नित्य विहार नित्य तत्व के स्वरूप को समझ के, स्वामी जी के स्वरूप को समझ के, किसी कुसंग के कारण, साधना की कमजोरी के कारण, सत्संग के कारण विचलित मत होइए, दृढ़ रहिए अपने स्वरूप में, दृढ़ रहिए। एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागमन भ्रम मिट जाए। आवागमन का भ्रम तो सत्यानाश हो ही जाएगा, संसार का चक्र। और परम सुख, नित्य सुख, निर्बध सुख, सर्वोपर सुख, जिस सुख के लिए लालायत भगवान भी रहते हैं, वो सुख तुमको अवश्य ही स्वामी जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। बोलो स्वामी जी महाराज की।
मन मेरे खजले श्री कुंज बिहारी, मन मेरे भजले श्री कुंज सब सुख सागर रूप जाग, अंग संग प्रीतम प्यारी वृंदावन घन नागन कुआंज केले करत चारी चार, बिहारी बिहारी दास स्वामी जी महाराज की जय, बिहारी जी महाराज की जय, वृंदावन चंद जी की जय, समस्त आचार्य वृंदन की जय, श्री स्वामी बिहारेन्द्र जी महाराज की जय, जय जय श्री हरिदास।